हेलो पोके आर्मी, वेलकम टू पोके बैक सिंधी। दोस्तों तुम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हम बहुत ही पास है 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ आज रात तक वो हो जाए। तो दोस्तों ये है, ये एक वीडियो है किसके किसके ऊपर तुम लोगों को पता चला गया होगा। दोस्तों तो आज का वीडियो है पोकेमोन सन एंड मून का एपिसोड 2, वो भी हिंदी में बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अपनी गुरुजी की बेड़ा बांध लीजिए और अपने उंगलियां तैयार रखें लाइक बटन को हिट करने के लिए और सब्सक्राइब बटन को भी दबाने के लिए। तो दोस्तों चलिए बिना कोई टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है पॉपलियो के एक बलून से, वाटर बलून से। वो उसको फटता है और एपिसोड स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे मोटा लड़का, मेरा नाम याद नहीं, अपने पोकेमोन को बोलता है हम फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर वो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और फिर लिली इसको एक रेसिपी देती है पोकेमोन की। और फिर वो उस पोकेमोन आ जाता है जिससे लिली डरती है, यानी लिली पोकेमोन को पकड़ने से डरती है। और वो दूसरी लड़की उसको समझाती है कि तुम्हें पोकेमोन के बारे में बहुत, तो पोकेमोन को टच नहीं कर पाती। उतने ही किया हुए आ जाता है अंदर अलोला बोल के, उधर अलोला बोल के एंटर करते हैं। और फिर ये दोनों में बात चलती है कि तुम मुझसे 2 साल बड़ा है फिर भी तू मेरी क्लास में कैसा है। दोस्तों फिर उसके बाद प्रोफेसर कुकुई और ऐश की एंट्री होती है क्लासरूम में। और प्रोफेसर कुकुई ऐश को इंट्रोड्यूस, हमारे क्लास में मतलब हमारे साथ स्कूल में रहेगा। फिर ऐश सबको अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ से है, क्या करने वाला है, मतलब इधर क्यों आया था। तो दोस्तों उसके बाद उसका जीरिन देख के किया हुए हैरान हो जाता है। फिर ऐश उसे बताता है कि उसे जीरिंग दी थी टापू कोको ने, जो आइलैंड गार्डियन है। फिर वो सुन के क्यों वे चुप बैठ जाता है, यानी उससे कुछ पत वो एकदम हैरान हो जाता है। उसके बाद सबका चेहरा भी हैरानी जैसा हो जाता है। और फिर ऐश खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये इतने हैरान क्यों है। फिर उसके बाद क्यों वे ऐश को समझाता है कि टापू कोको मेले मिले आइलैंड का आइलैंड गार्डियन है और तुम्हें इसे एक फालतू चीज़ नहीं उठानी है। जीरिंग एक बहुत ही ताकतवर मूव है जो तुम एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। और क्यों बहुत ही सीरियस था। और फिर ऐश बहुत ही सीरियस हो गया। फिर हमारे प्रोफेसर कुकुए बोलते हैं ये एक थंडर बोल्ट और फ्लेम थ्रोअर के बीच में का कंपटीशन हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक आ जाते हैं एक एग्जीक्यूटर के ड्रेस में क्लासरूम में और सिखाने लग जाते हैं एग्जीक्यूटर के बारे में। एलोलन एग्जीक्यूटर बहुत ही अलग दिखता है, वैसे वो उसके बारे में बताते ही रहते हैं कि ऐश पूछता है कि फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि ये कौन से टाइप का है। तो लिली बोलती है कि एलोलन एग्जीक्यूटर एक ड्रैगन और ग्रास टाइप का साइकिक टाइप का पोकेमोन है। ऐश उसे देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रोफेसर कुकुए के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग खा रहे होते हैं, यानी पिकाचू और वो सब खा रहे होते। उतने में ऐश को एक पोकेमोन दिखता है जिसका नाम होता है रॉकरफ। वो उससे बहुत ही मिलजुल जाता है। इसका सीक्रेट तुम्हें अगले कुछ एपिसोड में पता चल जाएगा। फिर दोस्तों हमें फिर ये सब लोग एक इसके ये सब एक पार्टी के बारे में प्लान करते रहते हैं। फिर दूसरे दिन ऐश लेट हो जाता है स्कूल के लिए और उसके बाद भागने लग जाते हैं। एंट्री गेट में आने के बाद उसके ऊपर फटाखे फूटते और वो गिर जाता है। और फिर ऐश बोलता है ये क्या हो गया, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद उसे सब बोलते हैं कि ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है, कि तुम हमारे स्कूल में नए आए हो ना, तो हमने तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखी है, ये तुम्हारा पहला सरप्राइज था। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुझे और अलग अलग सरप्राइज मिलेंगे। फिर ये मोटा लड़का ऐश को बोलता है कि मैं तुम्हारा पहला सरप्राइज मैं हूँ। तो वो बोलता है मेरे पास फाइट लगता है पोकेमोन फाइट। फिर उसके बाद इसको समझता है कि उसे बस कुछ फुगे तोड़ने होते हैं, यानी बलून्स को फोड़ना होता है। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए, मतलब फुगे बलून्स फोड़ने के लिए। ओके गाइस, तो उसके बाद उन लोगों में रेस चालू हो जाती है। रेस ऐसी होती है कौन सबसे पहला बलून्स पॉपअप करेगा सबसे ज़्यादा। दोस्तों फिर ऐश बलून को पॉप करने के लिए साथ हो जाता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर लिली उसे बोलती है कि तुम इलेक्ट्रिक अटैक से भी बलून्स को फोड़ सकते हो। तो फिर वो पिकाचू को थंडरबोल्ट करने ही बोलता है। फिर उस मोटे लड़के का पोकेमोन उस थंडरबोल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
और फिर उसे समझा, फिर ऐश मोटा लड़का ऐश को बोलता है कि मेरा पोकेमोन इसको ये कर सकता है, तो उसके बाद वो जीत जाता है। फिर देखिए मोटा लड़का जीत जाता है ऐश के सामने। दोस्तों ऐश पहला राउंड हार जाता है, फिर बोलता है हाँ मैं हार गया, कोई बात नहीं मैं अगली बार जीत जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद में टापू कोको का फिर से एक सीन दिखाया गया है, इसके बारे में तुम लोग को आगे के वीडियो में पता चलेगा, एंड तक देखना। फिर ये लड़की हंसने लग जाती है और फिर दूसरा मैच शुरू हो जाता है पॉपलियो वर्सेस ऐश में। दोस्तों उसके बाद इस रेस में उस दो पोकेमोन्स को भाग के स्विम करके एंड लाइन में पहुंचने का रहता है। तो दोस्तों ऐश सॉरी पिकाचू स्विम करने लग जाता है, पॉपलियो से बहुत आगे रहता है, बट पॉपलियो एक वाटर टाइप पोकेमोन है, वो नीचे से गुजरते ऐश को हरा देती है। तो पॉपलियो फिर पिकाचू पानी से बाहर आ जाता है, सॉरी फॉर दिस फोटो। तो पिकाचू पानी से बाहर आ जाता है, फिर उसके ऊपर ऐश एक टॉवल फेंक देता है, वो बोलता है पिकाचू रुको मैं तुम्हें पोंछ देता हूँ। फिर ऐश को लग जाता है, फिर वो बोलता है बड़ी तुमने बहुत ही अच्छा काम कर लिया। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारा और पिकाचू ऐश का और पिकाचू का बॉन्ड बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद तीसरा सॉरी चौथा सरप्राइज आता है, फिर वो उसके फिर क्योए के साथ बुल रेसिंग में चला जाता है। फिर उसके बाद इन दोनों का सीन आया कि फिर प्रोफेसर कुकुई बोलता है कि ऐश का पांचवा सरप्राइज मैं हूँ, यानी मेरे साथ एक पोकेमोन बैटल। पर यहाँ पे उसके चौथे सरप्राइज यानी बुल फाइटिंग में ऐश ऐश और क्योए में कड़ी टक्कर होती है, बट फाइनली क्योए जीत जाता है। हाँ गाइस क्योवे मैच जीत जाता है, ऐश अब तक सारे मैचेस हार चुका होता है, पर कोई नहीं ये फ्रेंडली बैटल है। फिर उसके बाद अचानक कुछ हो जाता है, फिर प्रोफेसर कुकुए आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पांचवा सरप्राइज मैं हूँ, तुम्हें मेरे साथ एक पोकेमोन बैटल खेलना पड़ेगा। तो फिर ऐश बोलता है पोकेमोन बैटल यस मैं खेलूंगा। ऐश हमेशा पोकेमोन बैटल के लिए रेडी हो रहता है। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है रुको पोकेमोन बैटल खेलने से पहले तुम्हें सब लोगों को भूख लगे मुझे पता है, मैंने खाना बनाया हुआ है। फिर सब लोगों के पेट में से आवाज़ निकलने चालू हो जाती है जैसे हर बार होती है। दोस्तों उसके बाद होटल का सीन दिखाया गया है कि यहाँ पे सब पोकेमोन्स और सारे ट्रेनर्स खाना खा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद सब पोकेमोन्स भी अच्छे से खाना खा रहे रहते हैं। फिर ऐश का सीन दिखाया गया है कि खाते वक्त, और वो लोग बोल रहे हैं कि बोम बहुत अच्छे हो तुम कहाँ से आए हो, वैसे वैसे बातें करने लग जाते हैं। फिर अचानक वहाँ पे टापू कोको आ जाता है, टापू का पूरा डिज़ाइन पता चल जाता है। फिर टापू को ऐश को बोलता है कि तुम्हें मुझे तो सॉरी ऐश टापू को बोलता है कि थैंक्स फॉर गिविंग मी मतलब जीरिंग देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सब सब पोकेमोन्स उसको देखने लग जाते हैं। टापू को ऐश की हैट चुरा लेता है और फटाफट ऐश की हैट ऐसे घुमाने लग जाता है और सबके ऊपर रखने लग जाता है, और टापू को इतना फास्ट होता है कि वो कोई से देख नहीं पाता, और वहाँ से ऐश की टोपी लेके भाग जाता है यानी उसको जंगल में लेके जाता है। तो फिर ऐश उसके पीछे भागने लग जाता है उसकी टोपी के लिए, तो ऐश उसे पीछे पीछे भागने लग जाता है। फिर टापू को एक जगह पे जाकर रुक जाता है, और फिर ऐश हमारा उसके पीछे पीछे तो भागता ही रहता है ना। तो ऐश उसे देख के हैरान हो जाता है कि वो मुझे जंगल में क्यों लाया। फिर से अपनी हैट वापस दे देता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ वापस बैटल करनी पड़ेगी। तो उसके बाद ऐश उसके साथ बैटल करता है, तो टापू को एक इलेक्ट्रो अटैक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अटैक ज़्यादा ये हो जाएंगे मतलब पावरफुल हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग आके देखते हैं, फिर टापू को बोलता है ऐश को कि नहीं तुम्हें जी रिंग का अटैक इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाकी अटैक पिकाचू को यूज़ नहीं हो रहे थे। तो ऐश पहली बार अपना जी मूव इस्तेमाल करता है, तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐश को जी मूव इस्तेमाल करना आता होगा कि नहीं पता। फिर ऐश अनोखा डांस करने लग जाता है जी मूव वाला, फिर वही सेम डांस पिकाचू भी करता है। एब्सोल्युटली दोनों पोकेमोन को वही सेम डांस करना पड़ता है जी मूव इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं इसके बारे में अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगले अगले इस फोटो में दिखाया गया कि हमें पिकाचू और ऐश एक ही स्टेप कर रहे होंगे जी मूव, और उसके बाद जी मूव यूज होता है इसको, कुछ तो गैलेक्टिक थंडर पंच कुछ तो नाम दिया होता है। फिर टापू को देखता है उसे और फिर उसे ब्लॉक कर देता है फाइनली, क्योंकि वो एक लेजेंडरी पोकेमोन जो है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद जब सारे धूल मिट्टी हट जाते हैं तब दिखता है कि टापू को बहुत ही सुरक्षित है यानी उसे वो रोशनी आई। फिर टापू को अपने आवाज़ में कुछ तो टापू टोपू करके वहाँ से उड़ जाता है। दोस्तों उसके बाद ऐश उसे बोलता है वाह लगता है कि टापू को मुझे यही करवाना था। तो उसके बाद फिर क्या है उसे बोलता है कि तुम्हें बैटल्स में मुकाबला करना चाहिए, ग्रैंड टाइल्स लेने चाहिए जिसकी वजह से तुम और जीत सको। और दोस्तों उसके बाद बोलते हैं हाँ मैं ये जरूर। तो दोस्तों ऐश वैसे बोलने के बाद
एपिसोड यही खत्म हो जाता है, उसके बाद हमें आउट्रो दिखाया जाता है और उसके बाद हमारा एपिसोड 2 सन एंड मून का यही खत्म होता है गाइस। तो दोस्तों अगर तुम्हें आज का ये एपिसोड है सन एंड मून का एपिसोड नंबर 2 पर लाइक का बटन को हिट करो यार, के मैं 30 लाइक्स का आ गई आज, थोड़ा हाई लाइक में रख रहा हूँ, मुझे पता है तुम लोग हमेशा की तरह कंप्लीट कर देते हो। और दोस्तों एक बात और बतानी है कि ये वाला वीडियो यानी ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये मेरा 2018 का लास्ट वीडियो है, यानी गाइस इसके बाद वीडियो आएंगे बट अभी 2018 तो खत्म होने वाला है, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला है, ये वीडियो डायरेक्टली आज डाल रहा हूँ। ओके तो अभी इस वीडियो के साथ हम ये साल खत्म करेंगे। और मैं दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम 3000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, तो मेरी एक इच्छा है कि क्या हम इस 3000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन सॉरी गोल को आज के दिन में खत्म कर पाएंगे, यानी 2018 खत्म होने पे 3000 सब्सक्राइबर खत्म हो जाएंगे यार। क्या मेरे में ऐसा हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, यानी फिर 2019 में हम अगला गोल रखेंगे 4000 सब्सक्राइबर का यार, बहुत ही मज़ा आएगा। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना यार, 30 लाइक का एम है और ऐसी सीरीज आगे बढ़ानी है, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छा सपोर्ट दो मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबको एडवांस पे हैप्पी न्यू ईयर।